सात बेटे और एक बेटी थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की सभी बहुओं, बेटी और पत्नी ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब साहूकार के बेटे भोजन करने बैठे तो अपनी बहन से खाना खाने को कहने लगे। तब वह बोली, भाई अभी चांद नहीं निकला, मैं चांद की प्रतीक्षा करूंगी, चांद को अर्घ देकर ही भोजन कर सकती हूँ। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, वो बहन को भूख से व्याकुल नहीं देख पाए। उन्होंने नगर के पास की पहाड़ी पर एक दीपक जलाया और उसे चलने के आगे रख कर बहन को कह दिया, बहन चांद निकल आया, अब तुम अपना व्रत खोल सकती हो। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों से कहने लगी, भाभी चांद निकल आया, चलो अर्घ देकर भोजन कर लेते हैं। सभी भाभियां बोली, नहीं भाई जी, ये तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। भूख से व्याकुल वो चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही पहला निवाला खाने लगी तो उसे छींक आ गई, दूसरा निवाला खाने लगी तो उसमें बाल आ गया, और जैसे ही तीसरा निवाला तोड़ा तभी ससुराल से बुलावा आ गया, पति बीमार है, जैसी भी हालत में है। तुरंत ससुराल पहुँचे, उसकी माँ उसे विदा करने के लिए बक्से में से कपड़े निकालने लगी। बार बार बक्से में से काले और सफेद कपड़े निकलने लगे। तब माँ घबरा गई और बेटी से बोली, बेटा रास्ते में जो भी छोटा बड़ा मिले उसके पैर छूती जाना, और जो कोई भी बूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे तो वही अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। वो बोली, ठीक है माँ। ऐसा कहकर वो अपने ससुराल की ओर चल दी। चलते चलते रास्ते में उसे जो कोई भी मिलता वो उन सब के पैर छूती गई। सभी ने उसे खुश रहो, सुखी रहो, पीहर का सुख देखो इस तरह आशीर्वाद दिया। ऐसे ही वो चलते चलते अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के आंगन में छोटी ननद खेल रही थी, जब उसके पैर छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो। ये सुनते ही उसने अपने पल्ले पर गांठ बांध ली और अंदर गई। अंदर जाते ही देखा कि घर के आंगन में उसके पति का शव रखा है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वो बहुत रोई। जैसे ही उसके पति को ले जाने लगे वो रोती हुई बोली, मैं इन्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगी। जब कोई नहीं माना तो साथ जाने की जिद करने लगी। उसकी जिद के आगे हार कर